Hello everyone, in this video we are going to discuss your next topic of organic chemistry, that is preparation of haloalkane and haloarenes. Preparations of haloalkane and haloarenes. इससे पहले एक छोटा सा टॉपिक, पिछले वीडियो में हम क्लासिफिकेशन कर रहे थे, तो क्लासिफिकेशन में आपको हेलोजन के अकॉर्डिंगली जो है वो क्लासिफिकेशन मैंने आप बताई थी. तो वहाँ पे जो डाई हेलोजन थे, जैसे एक हेलोजन अटैच था तो मोनो हेलोजन बोलते थे, टू थे तो डाई बोल रहे थे, और अगर थ्री थे तो ट्राई, है ना. तो जो ट्राई हेलोजन थे उनके फर्दर डेरिवेशन हैं, जो डेरिवेटिव्स हैं वो कौन से हैं, तो दो तीन टर्म्स हैं उनको ध्यान से देखेंगे कि जैम डाई हैलाइड्स होते हैं. जैम डाई हेलाइट्स किसको बोलते हैं, वो अगर आपके टू जो हैं वो हेलोजन एक ही कार्बन के साथ अटैच हो जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं जैम डाई हेलाइट्स. क्लियर. अगर टू क्लोरीन एटम जो है वो एक ही कार्बन के साथ अटैच है तो उसको हम क्या बोलेंगे, जैम डाई हेलाइट्स. इसी तरह से होते हैं बिसिनल डाई हेलाइट्स, बिसिनल डाई हेलाइट्स. ठीक है, तो बिसिनल डाई हेलाइट्स क्या होते हैं, अगर वो एडजेसेंट कार्बन एटम के ऊपर जो आपकी हेलोजन है वो अटैच है, इस तरह से अगर वो एडजेसेंट कार्बन एटम के ऊपर अटैच है, साथ वाली कार्बन के साथ अटैच है, अलग अलग मतलब दोनों है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बिसिनल बोलते हैं. ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके पास पॉलीमिथाइलिन डाईहेलाइड्स. तो ये थ्री टर्म्स हैं, पॉलीमिथाइलिन डाईहेलाइड्स. पॉलीमिथाइलिन डाईहेलाइड्स में क्या है, इसमें आपके पास जैसे ये चेन है तो इसके टर्मिनल एंड पे आपको हेलोजन जो है वो इस तरह से दोनों एंड पे सेम हेलोजन एक टर्मिनल एंड पे होगी, तो इसको पॉलीमिथाइलिन डाईहेलाइड्स बोलते हैं. क्लियर, तो ये थ्री डेरिवेटिव हैं आपके डाई हेलोजन के. जैम डाईहेलाइड, अगर टू हेलोजन एक सेम कार्बन एटम के साथ लगे हैं तो जैम डाईहेलाइड्स बोलेंगे. बिसिनल अगर एडजेसेंट कार्बन के ऊपर लगे हैं, अलग अलग हैं दोनों. पॉलीमिथाइलिन के अंदर क्या है, कार्बन चेन के दोनों टर्मिनल एंड पे जो कार्बन है उनके साथ अगर सेम हेलोजन ग्रुप लगा तो उसको हम पॉलीमिथाइलिन डाईहेलाइड्स बोलेंगे. क्लियर, नेक्स्ट अब करते हैं हम अपनी प्रेपरेशंस, कैसे हम हेलोल्केन और हेलोरेन जो है वो प्रिपेयर करते हैं. तो सबसे पहले मैं आपको एक रिएक्शन जो है अल्कोहल के साथ हम रिएक्शन करके देखते हैं. ये ROH है, OH आपको पता है कि अल्कोहलिक ग्रुप है, इसमें हेलोल्केन, ये जनरल रिएक्शन में लिख रही हूँ. तो कैसे होगी रिएक्शन, ये RX इसके साथ कंबाइन कर जाएगा और वाटर जो है ये आपका सेपरेट यहाँ से निकल जाएगा, साफ दिख रहा है हमें H2O. ठीक है, तो रिएक्शन कैसे हो जाएगी आपके पास, RX प्लस H2O यही निकलेगा. इसमें जो है मैं एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड ZnCl2 जो है इसमें डाला जाता है. एक एग्जांपल ले लेते हैं हम इसकी, ये जनरल रिएक्शन थी, CH3 यहाँ पे OH. क्लियर, ये अल्कोहल हमने लिया, इसमें हमने क्या करना है, हेलोजन, ये हाइड्रोजन और साथ में हेलोजन अटैच है, हो गया आपका. तो इसमें आपने अब हेलोल्केन प्रिपेयर करने हैं, सेम जनरल रिएक्शन को देखिए, इसी तरह से यहाँ से वाटर जो है रिमूव कीजिए, यहाँ पे ZnCl2 है आपके पास एनहाइड्रस फॉर्म में, और यहाँ आपके पास वाटर निकल गया, बाकी जो है कम्प्लेक्स उसको अटैच कर दीजिए. ठीक है, CH3Cl प्लस H2O. यहाँ पे मैंने ये जो ZnCl2 डाला, ये मैंने क्यों डाला, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ZnCl2. एक्चुअली जो ZnCl2 ये क्या करता है, जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड है इसको क्लीव करता है, इसको तोड़ता है, इसको तोड़ देगा, यहाँ पे कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हो जाएगी, तोड़ेगा तो ये बॉन्ड इसका चला गया, इसके पास कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया और यहाँ पे क्लोरीन जो है वो आके अटैक करेगा और इसके साथ वाइंड कर जाएगा, तो यहाँ पे CCl इस तरह से तब जुड़ता है ये, और वाटर जो है वो आपका यहाँ से अलग हो जाएगा, वो जिसके साथ आज के साथ चल के वो अलग वाटर मॉलिक्यूल बना लेगा. क्लियर, तो ये पर्पस है इसका, वाटर इसका ZnCl2 का. ठीक है, ये हो गया आपने किस तरह से जो है वो प्रिपेयर किए हेलोल्केन. तो ये आपके पास अल्केन ही है, ठीक है, अल्काइल ग्रुप अटैच्ड है और ये हेलोल्केन है आपके पास. यहाँ पे हेलोल्केन जो है, देखिए इसका नाम क्या है, क्लोरोप्रोपेन. क्या नाम है इसका, क्लोरोप्रोपेन. क्लियर,
तो नेक्स्ट है आपके पास वाई द एक्शन ऑफ फास्फोरस हेलाइट. अगर फास्फोरस हेलाइट के साथ हम करें उसमें भी हेलो एल्केन जो है प्रिपेयर हो जाते हैं आर ओ एच प्लस पी सी एल फाइव. तो ये फास्फोरस हेलाइट है वाई द एक्शन ऑफ, यहाँ लिख लीजिए वाई द एक्शन ऑफ फास्फोरस हेलाइट. तो पी सी एल फाइव मैंने इसमें ऐड किया तो भी एल्केन जो हमारे पास आ जाते हैं कैसे आएगा, एक क्लोरीन निकलेगा इसके साथ अटैच हो जाएगा क्योंकि हमें क्या प्रिपेयर करने हैं, जो हमें हेलोजन हैं हेलो एल्केन्स हैं वो हमें प्रिपेयर करने हैं. प्लस इसमें पी ओ सी एल थ्री प्लस एच सी एल, ठीक है ये रिएक्शन होगी. इसी तरह से थायोनल क्लोराइड के साथ भी रिएक्शन होती है, आर ओ एच प्लस थायोनल क्लोराइड का फॉर्मूला है एस ओ, ये थायो ग्रुप है आपका, एस ओ सी एल टू. पाइरीडीन की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हमारे पास होगी. तो ये यहाँ पे क्या चीज़ निकलेगी आपके पास, ध्यान रखेंगे सी एच थ्री एग्ज़ाम्पल, चलो आर सी एल प्लस एस ओ टू प्लस एच सी एल एग्ज़ाम्पल लेते हैं हम इसकी. आर की जगह मैं अल्काइल ग्रुप यहाँ पे ले लेती हूँ सी एच थ्री सी एच टू ओ एच, क्लियर, प्लस एस ओ सी एल टू, सेम पाइरीडीन की प्रेजेंस में रिएक्शन हमने करनी है. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सी एच थ्री सी एच टू, ये ग्रुप इसके साथ यहाँ से क्लोरीन रिमूव हो जाएगी, सी एच थ्री सी एच टू सी एल प्लस ये वाली ऑक्सीजन इस सल्फर के साथ जुड़ के एस ओ टू गैस बना देती है, ठीक है. और यहाँ से हाइड्रोजन और एक क्लोरीन निकल के आपके पास एच सी एल गैस की एलिमिनेशन करेगी, यहाँ पे एलिमिनेट होगी ये. अब ये दोनों जो है वो गैसियस फॉर्म में है, ठीक है. ये रिएक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी इस पर आ सकता है आपको. तो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि जो हेलोल्केन की प्रेपरेशन है वो थायोनल क्लोराइड जो है उससे बनाना ज़्यादा बेटर क्यों समझते हैं, क्यों बेस्ट मेथड माना जाता है हेलोल्केन की प्रेपरेशन के लिए थायोनल क्लोराइड से प्रिपेयर करना. रीज़न इज़ दैट बिकॉज इन प्रोडक्ट में देखिए यहाँ पे देखिए गैस जो है वो प्रोड्यूस हो रही है, सल्फर भी गैसेस फॉर्म में आ रहा है और आपके पास जो हाइड्रोजन क्लोराइड है ये भी आपके पास क्या है गैसेस फॉर्म में आ रही है, ठीक है. तो दो गैसेस यहाँ से एलिमिनेट हो रही हैं, दो गैसेस रिलीज हो रही हैं. तो जब हम हेलोल्केन की प्रेपरेशन करते हैं, ये आपके पास हेलोल्केन है, जब हम हेलोल्केन की प्रेपरेशन करते हैं तो गैसेस क्या हो जाती हैं, ये वेपोरेट हो जाती हैं यहाँ से, ठीक है. गैसेस निकल जाएंगे यहाँ से, ये एस्केप हो जाएंगी आराम से, इजिली जो है एस्केप हो जाती है और हमारे पास जो हमें हेलाइट्स चाहिए होते हैं वो हमें मिल जाते हैं. तो दिस इज़ द रीज़न कि ये जो है बेस्ट मेथड है, इकोनॉमिकल भी है, इसमें ज़्यादा खर्चा भी नहीं होता है और ईजी जो है वो अपने आप यहाँ से गैसेस एलिमिनेट हो जाएंगे और जो हमें प्योर फॉर्म में हेलाइट्स चाहिए वो हमें मिल जाएंगे, इसलिए इस मेथड को बेस्ट मेथड माना जाता है, ठीक है. तो ये प्रेपरेशन आपकी मैंने करवाई है, थ्री फोर प्रेपरेशन है ये हेलो एल्केन की. अब हम हेलो अरेंज की कर लेते हैं, उसके बाद बाकी जो प्रेपरेशन है वो मैं आपको नेमिंग रिएक्शन करवाऊँगी, ठीक है. जो नेमिंग रिएक्शन बोर्ड एग्जाम में हमें डायरेक्टली पूछी जाती है, सिक्स रिएक्शन मिनिमम आती हैं, वो थ्री इकट्ठी जो है वो एक बार में आ जाएंगे, थ्री एंड में जो है वो आपके लास्ट के क्वेश्चंस में आती हैं. तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, उनमें जो है आपकी जो है कवर हो जाती हैं प्रेपरेशंस. कुछ रिएक्शन उनमें से आपने प्लस वन में भी पढ़ी हुई है इलेवंथ क्लास में, जैसे बोट्स रिएक्शन है, फिटिग है, बोट्स फिटिग है, फ्रीडल क्राफ्ट है. तो अभी जो है हम हेलो एल्केन की इतनी करते हैं प्रेपरेशन और इसके बाद हेलो अरेंज की करते हैं. नेक्स्ट है हेलो अरेंज. हेलो अरेंज की भी आपने हेलोजिनेशन, डायरेक्ट हेलोजिनेशन से करते हैं, हेलो अरेंज की अब हेलो अरेंज, हेलो अरेंज की प्रेपरेशन करते हैं. तो सबसे पहले हम डायरेक्ट हेलोजिनेशन करके बताती हूँ मैं आपको, डायरेक्ट हेलोजिनेशन. डायरेक्ट हेलोजिनेशन आप कैसे करेंगे, डायरेक्ट हेलोजिनेशन में देखिए आपने बेंजीन रिंग है, इसमें डायरेक्टली जो है वो हेलोजन कैसे अटैक, जैसे क्लोरीनेशन करवाई थी मैंने आपको तो इलेवेंथ में भी ये है आपके पास. तो एनहाइड्रस ए एल सी एल थ्री एफ ई सी एल फाइव, ठीक है. इसमें आपके पास जो है बेंजीन, यहाँ पे क्लोरीन आ जाती है, क्लियर. तो ये क्या बन गया आपके पास, क्लोरो बेंजीन, ठीक है. ये क्लोरीनेशन भी बोलते हैं इसको. इसी तरह से ये एरो बन गए आपके पास हेलो अरेंज हैं, ये बेंजीन के साथ लग गया हेलोजन तो हेलो अरेंज बन गए, ठीक है. इसी तरह से बी आर टू ब्रोमीन एफ ई सी एल थ्री एनहाइड्रस, तो यहाँ पे ब्रोमो बेंजीन, ठीक है. यहाँ पे बी आर और यहाँ से हाइड्रोजन
पता ही है आपको, एज इट इज हाइड्रोजन नहीं मेंशन नहीं करते, हम लिखते नहीं हैं, बट होता ही ऑलरेडी। तो वहाँ से एलिमिनेट एक हाइड्रोजन बेंजीन रिंग से और सीएल के साथ कंबाइन करके एचसीएल बनाएगा। तो ये हेलोरिन्स की एक हम कर लेते हैं इसमें साइड चेन हेलोजिनेशन, साइड चेन हेलोजिनेशन। तो नेक्स्ट है साइड चेन हेलोजिनेशन, क्या साइड चेन हेलोजिनेशन एक ये कर लेते हैं। साइड चेन हेलोजिनेशन में देखिए, इसमें साइड चेन टोलिन की एग्जांपल लेती हूँ, साइड पे बेंजीन रिंग के ये लगा हुआ है। क्लोरीनेशन सीएल टू करते हैं ये सनलाइट की प्रेजेंस में, तो आपके पास क्या आएगा यहाँ पे, CH2 एक यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, एक क्लोरीन के साथ यहाँ कंबाइन कर जाएगा और यहाँ से एक क्लोरीन इसके साथ कंबाइन कर जाएगी, ठीक है। तो ये CH2Cl बनाएगा यहाँ पे, ठीक। तो ये साइड चेन हेलोजिनेशन है। तो ये आपकी थ्री प्रेपरेशन हेलोरिन्स की और वो थ्री आपकी हेलोलिगेन्स की। अब हम करते हैं कुछ नेमिंग रिएक्शंस, ठीक है। नेमिंग रिएक्शंस हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिनिमम इस चैप्टर में आपके पास 12 रिएक्शन आएंगे, जिनमें से आज हम जो है वो 3 या 4 रिएक्शंस करेंगे। तो सबसे पहले हम रिएक्शन करते हैं सैनमेयर रिएक्शन। इस चैप्टर की नेमिंग रिएक्शंस हैं ये, नेमिंग रिएक्शंस जो साइंटिस्टों के नाम पे ही हैं, नेमिंग मीन्स। तो सबसे पहली रिएक्शन हम करते हैं सैनमेयर रिएक्शन, ठीक है। या आपने साथ के साथ सारी जो है वो रिएक्शनें लर्न करनी है, लिखनी भी है, जब भी बैठो तो साथ में कॉपी पेन लेके बैठा करो और साथ साथ लिखा करो इनको, ठीक है। तो सैनमेयर रिएक्शन जो है वो किसके साथ होती है, इसके लिए आपको चाहिए डाइजोनियम साल्ट, ठीक है। क्या चाहिए हमें इसके लिए, डाइजोनियम साल्ट N2Cl, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये होता है, ये डाइजोनियम साल्ट का फॉर्मूला है आपके पास, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं हम सैनमेयर रिएक्शन में, डाइजोनियम साल्ट में आपने डालना है Cu2Cl2, बस ये डालना है और कोई इसमें कुछ नहीं ऐड करना। आपके पास सीधा क्या बन जाएगा, यहाँ पे क्लोरोबेंजीन आ जाते हैं, ये Cl यहाँ अटैच हो जाती है और ये N2 जो है नाइट्रोजन गैस जो है वो आपकी यहाँ से सेपरेट जो है वो हो जाएगी, क्लियर। तो इसमें ये है, सेकेंड जो है आपके पास गैटरमन रिएक्शन है, ये होगी सैनमेयर। ये मैं इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि ये दो तीन रिएक्शन आपकी सेम है, इजी रहेगा आपको। गैटरमन रिएक्शन वो भी आपकी जो है किसके साथ होगी, वो भी डाइजोनियम साल्ट के साथ ही, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ठीक है। इसमें क्या डलेगा, सेम प्रोडक्ट बनता है, बस इसमें सेंटर में जो आपने रीजन डालना है वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। CuHCl डलेगा इसमें, उसमें Cu2Cl2 डलेगा और यहाँ पे CuHCl, और यहाँ पे भी आपके पास सेम प्रोडक्ट बनेगा क्लोरोबेंजीन, ठीक है। क्या नाम है इसका, क्लोरोबेंजीन, और साथ में यहाँ पे भी नाइट्रोजन एलिमिनेट होगी, क्लियर। तो ये है आपके पास टू प्रेपरेशन हेलो अरीन्स के हैं। देखो यहाँ पे हेलो अरीन बन रहा है, तो अगर सेपरेटली नहीं करनी है नेमिंग रिएक्शन करो, यहाँ से भी आपकी प्रेपरेशन हो जाती है। आपको बोला जाए हेलो अरीन की टू प्रेपरेशन लिखो, तो ये नहीं सोचना कि प्रेपरेशन तो हमने पढ़ी नहीं है, अलग से की नहीं है, तो ये प्रेपरेशन ही है। देखो सैनमेयर रिएक्शन से प्रिपेयर कर सकते हो आप, गैटरमन रिएक्शन लिखोगे उससे प्रिपेयर हो जाएगी, क्लियर। थर्ड आपकी रिएक्शन है बाल्स काइमन रिएक्शन। तो बाल्स काइमन रिएक्शन आपकी कैसे होती है, ये भी आपकी डाइजोनियम साल्ट के साथ ही रिएक्शन होगी, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ठीक है, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। हाँ, पर इसमें जो है आपके पास HBF4, ठीक है, ये ऐड होता है HBF4। इसमें देखिए प्रोडक्ट कैसे बनेगा, इसमें आपके पास हमने फ्लोरीन ली है, तो यहाँ पे फ्लोरोबेंजीन बनेगा, फ्लोरोबेंजीन प्लस BF3, यहाँ से एक फ्लोरीन निकल के क्या बचा, 3F बच गया, तो BF3 निकल गया, एक हाइड्रोजन रह गया यहाँ पे, वो इस क्लोरीन के साथ अटैच हो जाएगा, तो HCl, ठीक है। तो ये रिएक्शन जो है, ये दोनों रिएक्शन सेम है, सेम प्रोडक्ट आ रहे हैं, सिर्फ इसमें CuHCl आएगा, वहाँ पे CuTCl आएगा।
ठीक है, सी यू टू सी एल टू आएगा, ये डिफरेंस है इसमें। ये बाल्स काइमन रिएक्शन है, रिएक्टेंट इन सभी के तीनों के सेम है, एन टू सी एल डाइजोनियम साल्ट डाइजोनियम साल्ट डाइजोनियम साल्ट, ठीक है, डाइजोनियम साल्ट ये इसका रिएक्टेंट है, तो ये सब में रहेगा सेम। इस रिएक्शन को अगर याद करना है तो देखिए ऐसे भी आप इसको एक ट्रिक से याद कर सकते हैं, जैसे इसका नाम क्या है, बेंजीन, ऊपर क्या लगा है, एन टू सी एल, इसको पढ़ लीजिए नटकल, बेंजीन नटकल हो गया। एच बी एफ फोर नहीं याद रहता, इसको ऐसे कर लो, हस्बेंड फोर, एफ फोर फोर बना दो इसको, बेंजीन नटकल हस्बेंड फोर, प्रोडक्ट है बेंजीन गिर गया ऑन द फ्लोर, फ्लोर पे गिर गया बेंजीन, ठीक है, आगे लिख लो बेंजीन नटकल हस्बेंड फोर, बेंजीन गिर गया ऑन द फ्लोर, क्लियर। बोरोन ले गया थ्री फ्लोरीन, कितने फ्लोरीन ले गया बोरोन, थ्री, तो यही लिख लो, बोरोन ले गया थ्री फ्लोरीन, आग लगी मीन्स हीट किया, आग लगी क्या निकला, नाइट्रोजन एन टू, सॉरी, ठीक है, आग लगी निकली, आग लगी निकला नाइट्राजिन, क्लियर, एच सी एल आपका साथ में है, तो इस तरह से ये रिएक्शन आप याद कर सकते हैं। अगर आपको कोई और मेथड है तो आप वैसे याद करिए, सिंपल याद होती है तो भी अच्छी बात है, नहीं है तो आप ये लिख सकते हैं, क्लियर। बेंजीन नटकल हस्बैंड फोर, बेंजीन गिर गया ऑन द फ्लोर, बोरोन ले गया थ्री फ्लोरीन, आग लगी मीन्स हीट किया निकला नाइट्राजीन, तो ये है साथ में एच सी एल प्रोडक्ट, यहाँ पे ये बनेगा रिएक्टेंट, इसमें ये जो है इसमें एलिमिनेशन साइड प्रोडक्ट आपके ये निकलेंगे, क्लियर। तो आज के लिए हम ये तीन रिएक्शन करते हैं, सैंडमेयर है, डाइजोन आपके पास गैटरमन है, और बाल्स काइमन है, थ्री रिएक्शन करिए, बाकी रिएक्शन जो हैं वो हम कल करेंगे। तो डेली की हम इस तरह से रिएक्शन जो है थोड़ी थोड़ी करते जाएंगे, फिर हम रीजनिंग करेंगे, देन एंड में हम कन्वर्जेंस करेंगे इसकी। तो नेमिंग रिएक्शन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको अंडरस्टैंड करना है, ध्यान से लिखना है, लर्न भी करना है, अंडरस्टैंडिंग भी है ऑर्गेनिक में, और थोड़ा सा रिएक्शंस केमिकल फॉर्मूले हैं तो इनको लर्न भी करना पड़ेगा, थोड़ा सा रट्टा भी है यहाँ पे, ठीक है। बाकी रिएक्शंस के नेम तो तुम्हें याद करने ही पड़ेंगे, और केमिकल फॉर्मूले के हैं वो भी लर्न करने ही पड़ेंगे, वो हेल्पफुल हैं, किसको क्या बोलते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा सा बेसिक जो आपको पहले बताया है, पिछले वीडियो में भी कुछ डिस्कस किया है, तो इस तरह से इनको लर्न कीजिए।